The values of current I flowing in a given resistance for the corresponding values of potential difference V across the resistor are given below. तो बेसिकली ये जो है ओम्स लॉ पे ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये हम लोग को अच्छे से करना है, अच्छे से समझना है। आई दिया हुआ है, वी दिया हुआ है, अब बोला जा रहा है प्लॉट ए ग्राफ बिटवीन वी एंड आई एंड कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ दैट रेजिस्टर, ठीक है। चलिए प्लॉट कर लेते हैं। तो हो सकता है कि ग्राफ पेपर नहीं हो आप लोग के एग्ज़ाम में, तो जो है हमारा जो स्केल है उसी से हम लोग जो है मार्क कर सकते हैं, ठीक है। 1-1 सेंटीमीटर पे आपको पॉइंट मार्क करना पड़े। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग जो है ये वाला ले रहे हैं, ये वाला लाइन, दिस लाइन वी टेक इट एज वी, ठीक है। स्केल से आप लोग मार्क कर लीजिएगा, और इधर जो है आई हो, इधर हो गया आई, इधर हो गया वी। वी जो है वोल्ट में है, आई है इन एम्पियर्स। तो वी इज है ना, तो वी देखिए लास्ट कितना है, 36.2 है। हमारे पास कितना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है, 10। तो दो दो कर लीजिए, 2 वोल्ट, 4 वोल्ट, 6 वोल्ट, 8 वोल्ट, 10 वोल्ट, 12 वोल्ट और ये 14 वोल्ट, 16 वोल्ट, हमारा 13.2 तक ही। एम्पियर इज 4 एम्पियर, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तक है ना, 9, 10, ठीक है। तो 0.5 कर लीजिए मार्क, तो 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5। अब जो है मार्क कर लीजिए, 1.6 पे वोल्ट पे 0.5 एम्पियर 2, तो ये 1.6 है ना, 1, 1.2, 1.4, 1.6 तो यहाँ पे कुछ है, ठीक है। फिर 3.4 वोल्ट्स पे 1 एम्पियर है, तो ये हो गया 4, ये हो गया 3.4 पे 1 है, ठीक है। फिर 6.7 पे 2 है, 2 एम्पियर हो गया किस पे, 6.2, 6.4, 6.6 ऐसा है। 10.2 पे 3 है, 3 पे 10.2 है, और 13.2 पे 4 है, 4 हो गया 13.2 पे, ठीक है, 13 ये हो गया 13.2। अब इन सबको जो है स्ट्रेट लाइन से जोड़ दीजिए। ऑफ कोर्स हम लोग के पास आप स्केल से कर सकते हैं, ठीक है, स्ट्रेट लाइन से हम लोग जोड़ दीजिए, ज़रूरी नहीं है कि सारा पॉइंट जो है एक साथ ये करेगा, ठीक है। लेट अस हम लोग कर ही लेते हैं, ठीक है, पॉइंट की ज़रूरी नहीं है कि ये सारा जो है, ओके एक बार देखते हैं करके। इसमें था इंसर्ट शेप, जैसे ठीक है, शेप का जो है थोड़ा सा आउटलाइन को हम लोग कर दिए, और थोड़ा सा इसको मोटा कर देते हैं, ठीक है। तो ऐसा कुछ आ रहा है हमारा पॉइंट्स, और इस पे जो है पॉइंट्स को मार्क कर दीजिए, ठीक है। तो एक पॉइंट ये था, एक पॉइंट ये था, एक पॉइंट ये था, एक पॉइंट ये था, और एक पॉइंट ये था, ठीक है। दैट्स इट, डन।
ये हो गया हमारा ग्राफ, ठीक है। अब जो है कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ द रेजिस्टर, रेजिस्टेंस हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। तो कोई सा भी दो पॉइंट ले लीजिए, ये ले लीजिए और ये ले लीजिए, रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, है ना, डेल्टा वी डिवाइडेड बाय डेल्टा आई, यही हो जाएगा स्लोप, ठीक है। तो दो पॉइंट ले लिए हम लोग और दोनों के बीच के रेजिस्टेंस निकाल रहे हैं, ठीक है, ये पॉइंट और ये वाला पॉइंट, ठीक है। तो ये होता है स्लोप, ठीक है। तो ये है डेल्टा वी, ये है डेल्टा आई, स्लोप क्या हो जाएगा, टैन थीटा। अब आ जाइए, तो दिस शुड बी इक्वल टू, डेल्टा वी कर लीजिए 10.2 माइनस 3.4 डिवाइडेड बाय आई 3 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 2। तो कितना हो गया ये, इट्स 6.8 डिवाइडेड बाय 2 विच इज इक्वल टू 3.4 ओम्स, ये हो गया हमारा आंसर।